स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम लुसेंट का सामान्य विज्ञान का ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, जिसका अभी फोकस हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे और चल रहा है हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अभी तक हमने 360 प्रश्न कंप्लीट कर लिया है, 3 से 4 वीडियो आ चुका है, तो अगर आपको नहीं देखे होंगे देख लेना, और आज हम इसके आगे देखेंगे। और साथ ही बता दूँ कि फिजिक्स और बायोलॉजी भी इसका कम्प्लीट हो चुका है, तो आपको वो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है? तो भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, ये गलत है। भारी पानी जिसका फॉर्मूला क्या होता है, D2O, इसका क्वथनांक साधारण पानी से अधिक होता है। तो यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा, जबकि कौन कौन से टर्म सही है इसकी ये पढ़ लेते हैं। भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है, ये सही है आपका। भारी पानी का हिमांक भी क्या होगा, साधारण पानी से अधिक होगा। यह संक्षारण उत्पन्न करता है, तो ये भी डी। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? जहाँ भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन, कार्बन होगा। डैश कार्बन का एक रूप नहीं है, रूप या अपरूप बोल सकते हो, इसमें से कौन सा नहीं है? तो सिलिकन क्या है, इसका अपरूप नहीं है, सिलिकन एक अलग एलिमेंट ही है। तो हीरा, फुलरीन और ग्राफीन, ये सब क्या है, या ग्रेफाइट, ये सब कार्बन के अपरूप है या कार्बन का एक रूप है। सिलिकन से एक बात बता दूँ कि अर्थ में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो होता है ऑक्सीजन, उसके बाद होता है सिलिकन, और उसके बाद फिर होता है एल्यूमिनियम। तो अगर आपसे ये प्रश्न आ जाए कि सबसे अधिक कौन सा एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा, सिलिकन ही होगा, ठीक ना, ये याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं होता है? तो सेम प्रश्न है, तो यहाँ पे देखो ग्रेफाइट, हीरा, कोयला सब क्या है, कार्बन के अपरूप हैं, तो सब में कार्बन होगा। आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कठोर पदार्थ है? जब सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो क्या हो जाएगा, हीरा, हीरा। लेकिन ध्यान रखना, जब मेटल हो तो हीरा नहीं होगा, तब प्लेटिनम पे टिक लगाओगे। हीरा डैश का एक अपरूपी स्वरूप है, हीरा किसका है, कार्बन का अपरूपी स्वरूप है। हीरा निम्नलिखित में से, हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप है, कार्बन का, कार्बन का ही होगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी। अच्छा एक प्रश्न और बताना, रॉक जो होता है 3 टाइप का होता है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, राइट? तो डायमंड जो होता है वो कौन से रॉक का एग्जांपल है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हीरा निम्नलिखित में से सख्त रूप है, ये बहुत सद हो गया, कार्बन का था। हीरा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो पूरा उसका ऑप्शन देख लें। ये रहा, यह सिलिकन का अपरूप है, नहीं, ये किसका अपरूप है, कार्बन का, तो ये तो गलत हो गया। यह ताप और विद्युत का कुचालक है, ये सही है। यह सबसे कठोर पदार्थ है, ये भी सही है। यह जलकर CO2 उत्पन्न करता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे 2, 3, 4 सही है, मीन्स आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी। अच्छा प्रश्न था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है, किसके कारण हीरे के चमक से कोई रिलेशन नहीं है? तो हीरे का जो अपवर्तनांक सूचकांक होता है, क्या होता है, काफ़ी उच्च होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, निम्न होता है, तो ये गलत है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, डी। जबकि कुल आंतरिक प्रतिबिंब के कारण वो चमकता है, उसका अपवर्तनांक उच्च होता है, और वो लाइट का क्या करता है, बिखराव करता है। याद रखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी कहा जाता है कुल आंतरिक परावर्तन को, या नहीं तो टोटल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है, हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता है, क्योंकि कहीं भी अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाह, मीन्स विद्युत प्रवाह की बात होगा, तो वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षा में होना चाहिए। तो अगर विद्युत प्रवाह नहीं करता होगा, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता होगा। ये चीज़ याद रखना, किसी भी एलिमेंट का जो रासायनिक गुण होता है वो डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रॉन पर, तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉन को फाइंड करके टिक लगा लेना। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है, इसमें से कौन सा एक तत्व है, तो तत्व आसानी से फाइंड कर लोगे, ग्रेफाइट क्या हो जाएगा, तत्व है, ये सब क्या हो जाएगा, एलिमेंट। सीसा, पेंसिल, ये सब क्या है, धातु है, ठीक ना, ये क्या है, तत्व है। सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री में प्रयोग किया जाता है, तो आसानी से कर सकते हो, सीसा पेंसिल में किसका प्रयोग करते हैं, पेंसिल हम लोग क्या करते हैं, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
अच्छा विद्युत चालक है। देखो सबसे अच्छा चालक तो हमको पता है क्या होता है, सिल्वर होता है, लेकिन यहाँ पे ये सब क्या है, बैड कंडक्टर है, ये क्या हो जाए, ग्रेफाइट क्या होगा, अच्छा चालक है। इसमें से किसका प्रयोग एक स्नेहक के रूप में किया जाता है? देखो स्नेहक को मंदक से कन्फ्यूज नहीं करना, दोनों से मीन्स नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग है। अगर स्नेहक का बात करें, लुब्रिकेंट होता है इसका इंग्लिश, तो वो होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। मंदक का बात करें तो ये होता है पारा, मरकरी, ठीक ना, HG, जिसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर 80, यही पूछा जाता है। तो स्नेहक हो लुब्रिकेंट मीन्स तो ग्रेफाइट, मंदक हो तब हम क्या करेंगे, या तो D2O या नहीं तो मरकरी। D2O अधिक प्रश्न पूछा जाता है, मीन्स भारी जल का उपयोग हम मंदक के रूप में करते हैं, ठीक ना। HG नहीं है, शायद गलत है, D2O होगा, ठीक ना। D2O मीन्स, फिर से रिपीट कर देता हूँ इस प्रश्न को, इंपॉर्टेंट है। स्नेहक का प्रयोग अगर बात करें तो ग्रेफाइट का, मंदक का प्रयोग करें तो क्या हो जाएगा, D2O, D2O भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अधातुएं सामान्यतः विद्युत का कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। जब ये सुचालक कुचालक का हो तो इलेक्ट्रॉन ढूंढना, ठीक ना, तो क्या होगा, इसमें स्थिलबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी। जब भी कोई भी रासायनिक परिवर्तन की बात हो या कोई भी इस मीन्स इलेक्ट्रिक से रिलेटेड हो तो इलेक्ट्रॉन उसमें अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन CO2 के संबंध में सही है? CO2 से संबंधित है यहाँ पे, चूने पर जल की क्रिया द्वारा इसका बृहद पैमाने पर उत्पादन होता है, ये भी सही है। ठोस अवस्था में इसका प्रशीतक के रूप में प्रयोग होता है, ये भी शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस बर्फ भी कहा जाता है, पता होगा, इस बार CGL में पूछा भी गया था, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का, याद रखना। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो आपका दोनों सही है। फिर से रिपीट करता हूँ, ठोस बर्फ किसे कहा जाता है, CO2 को, शुष्क बर्फ यूज होता है, ठोस बर्फ नहीं। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्रिय है? ग्रीन हाउस प्रभाव किससे रिलेटेड है? तो वायुमंडल गैसों के कारण सौर ऊर्जा का रोकना, सौर ऊर्जा को रोकना ही क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव। मीन्स धरती पे क्या हो जाएगा, वो सूर्य की ऊर्जा को रोक लिया है, मीन्स गर्मी बढ़ेगा, वो मीन्स हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है। अच्छा एक प्रश्न यहाँ पे और आया था, CGL की मैं बात कर रहा हूँ, 2019 में पूछा गया प्रश्न, अगर अर्थ से कार्बन डाइऑक्साइड गायब हो जाए, ठीक ना, तो अर्थ क्या हो जाएगा, ठंडा होगा, मीन्स टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह प्रश्न था। तो टेम्परेचर घटेगा, धरती का जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अहम भूमिका होता है, ये क्या करता है, सन के लाइट को मीन्स हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। निम्नलिखित में से कौन हरितगृह प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? हरितगृह प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस प्रवाह के लिए जिम्मेदार है? ये सारे गैस आप याद कर लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। आंसर क्या हो जाएगा, सी। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है क्योंकि ये दलदली वाले एरिया में पाया जाता है। यहाँ पे कथन अभिकथन और कारण दिया गया है, तो इसमें क्या होगा देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएगा, बिल्कुल टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, बर्फ पिघलेगा, ये सही है आपका। वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी, ये भी सही है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो क्या होगा, वृद्धि होगा। इसका अपोजिट मैंने अभी बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, एक और आठ दोनों सही है, और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है, आंसर होगा यहाँ पर सी। ये सारे प्रश्न जो डील हो रहा है यहाँ पे, देखो ना, पूछे गए प्रश्न हैं NTPC 2016 में, तो आपकी आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? ये किसके कारण हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें, जिसके कारण वो दूधिया हो जाता है। अग्निशामक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अग्निशामक का मतलब हो गया अग्नि पे कंट्रोल करने के लिए, आग को बंद करने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ये अच्छा मीन्स जहाँ पे पानी से हम कंट्रोल नहीं पा सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक शॉक पे तो फॉग का यूज किया जाता है, पर हर जगह अलग अलग है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पेट्रोल पंप पे हो गया, उस सब जगहों पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न में से किसके कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड का वृद्धि क्या होगा, जीवाश्म ईंधन का ज़्यादा इस्तेमाल करने से, क्या ये रीज़न सही है, हाँ सही है। वनों की कटाई से, ये भी सही है। वाहनों की संख्या में वृद्धि, ये भी सही है। सौर हीटर का ज़्यादा इस्तेमाल, सौर हीटर से कोई मीन्स क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं उत्सर्जित होता, ये गलत है। यहाँ पे एक दो और तीन, आंसर क्या हो जाएगा, सी।
मीठे शीतल पेय या सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक क्या होता है? उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बोनेट पानी, कार्बोनेटेड पानी। आंसर होगा यहाँ पे ए। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः होती है, ये गैस क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड से कंफ्यूज नहीं करना, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO, ठीक ना? दोनों हार्मफुल है हमारे लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड से कौन सा डिजीज हो सकता है? चिड़चिड़ापन का डिजीज हो सकता है, ठीक ना, चिड़चिड़ापन होता है उससे। निम्नलिखित में से कौन सा, अच्छा एक और कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड की, उसमें जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको जाने से रोका जाता है, क्योंकि उसके जाने से क्या होगा, होने वाले बच्चे का जो ब्रेन होगा उसको वो हार्म करेगा। तो ये प्रश्न घुमा के आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के होमोग्लोबिन में घुल जाता है? ये कौन सा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी हार्मफुल होता है ये। यहाँ पे फिर आपका एक अभिकथन और कथन दिया गया है। सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाने पर यह मौत का कारण बन सकता है, तो ये बिल्कुल सही है, मौत का कारण बन जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन में मिल जाता है, अभी हम पढ़े थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों सही है, जिसी के कारण मौत होता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन में मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, मौत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पे ए और दोनों सही है और उसका वो उचित व्याख्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? तो ये अभी हम पढ़े हुए थे, तो कोयले का किस्म जैसे बिटुमिनस है ही, लिग्नेट भी है और पीट भी है, तो बिटुमिनस, लिग्नेट, पीट, एंथ्रासाइट, ये सब क्या है? कोयला का किस्म है, डेलोमेट नहीं है, डेलोमेट नहीं है। आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी। सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। सबसे खराब बिटुमिनस। सामान्य, अच्छा इंडिया में सबसे अधिक कौन सा है? बिटुमिनस। सामान्य किस्म का लोहा कौन सा है? जो सामान्य किस्म का बात करें तो वो लोहा कौन सा है, वो होता है बिटुमिनस। सामान्य किस्म सबसे खराब, सबसे अच्छा एंथ्रासाइट। कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? तो आसानी से टिक कर पाओगे, सबसे अधिक कार्बन जिसमें पाया जाएगा वो कोयला सबसे अच्छा होगा, एंथ्रासाइट। अच्छा धरती पर सबसे अधिक कौन सा कोयला है? तो वही बिटुमिनस ही है, ठीक ना, एंथ्रासाइट नहीं है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है? तो वो हो जाएगा अधिपोषण, अधिपोषण। फिर से रिपीट करता हूँ, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों के लिए रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है? वो होता है अधिपोषण, अधिपोषण। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा अधिशोषक है? सबसे अच्छा अधिशोषक क्या हो जाएगा? नारियल कास्ट कोयला, सक्रियित नारियल कास्ट कोयला। अब नारियल कास्ट कोयला याद रखो हो जाएगा, सक्रियता जरूरी नहीं है। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घूटन और मृत्यु का कारण बन जाता है? तो ये आप आसानी से बना पाओगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा एक प्रश्न बताना, कोयले के खानों में आग जो आ जाता है वो किसके कारण हो जाता है? आग लग जाना या विस्फोट हो जाना, वो किसके कारण होता है? कई बार पूछा गया प्रश्न है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वो सूखी बर्फ या ड्राई आइस, ये क्या होता है? अभी हम बताए थे कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप, इसको रट लो, बहुत बार पूछा भी गया है। और अभी CGL की बात कर रहा हूँ, CGL 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो हो सकता है आपको आगे ये मिल जाए प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम शुष्क बर्फ का? आग पे कंट्रोल करने के लिए, आग बुझाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है? कौन सा बहुलक का बात कर रहा है? तो वो हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट बहुलक का प्रयोग हम किस में करते हैं, मीन्स बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में। चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जाता है? हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को अगर हम जलाएंगे तो क्या बनेगा? चारकोल बनेगा, चारकोल। आंसर क्या होगा? ए। अरे चारकोल क्या होगा? जीवाश्म ईंधन होगा, याद रखना, फॉसिल फ्यूल का उदाहरण है। भूपर पट्टी में दूसरा सर्वोच्च पाया जाने वाला तत्व कौन सा? देखो तत्व की बात करें तो फिर सबसे अधिक क्या है? ऑक्सीजन। दूसरे स्थान पर सिलिकन, सिलिकन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा लिखा है तो हो जाएगा सिलिकन। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, किससे बनी होती है? ये होता है सिलिकन का, सिलिकन का। साथ ही जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो जैसे अभी 5th जनरेशन कंप्यूटर चल रहा है, जैसे पहले में क्या था, वैक्यूम ट्यूब था, अभी वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो IC जो था कौन से जनरेशन
के कंप्यूटर में ये लगाया गया था? जरा कमेंट बॉक्स में बताना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल के उपयोग में किया जाता है? तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, सिलिकन। सिलिकन का प्रयोग करते हैं हम सोलर सेल में। या फिर मोबाइल का बैटरी होता है, इसमें भी सिलिकन का ही प्रयोग होता है। मोबाइल का मेमोरी कार्ड होगा उसमें भी। निम्नलिखित खनिजों में किस एक में मुख्यतः सिलिका होता है? सिलिका इसमें से मुख्यतः किस में होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा, क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट ये एक सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है, क्वार्ट्ज, इसमें होता है सिलिका। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्जाइट डाइस होता है, वो कौन सा हो जाएगा? घड़ियों में इस्तेमाल करने वाला पूछा जा रहा है आपसे, वो हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? वो भी होगा सिलिकन। सिलिकन पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? अब तो ये आप आसानी से टिक कर पाओगे। यहाँ पे वातावरण की बात करें, मीन्स वायुमंडल है, ठीक ना। वायुमंडल में सबसे अधिक क्या होगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, फिर से इस प्रश्न को ध्यान से समझो। पृथ्वी के अंदर की बात करें, अंदर की इंटरनल, तो सबसे अधिक हो जाएगा ऑक्सीजन। अगर वायुमंडल की बात करें, हवा की, तो सबसे अधिक क्या होगा, नाइट्रोजन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यहाँ पे है ये 78%, धरती में ये है 46%, राइट। और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो बहुत कम है, नाइट्रोजन की, सॉरी ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन कितना है, 21%, ठीक ना। उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड तो 0.03% है, तो वो याद नहीं रखना। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड पूछा जाता है, 0.03 याद रखोगे। चलो नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक है। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आंसर क्या होगा, डी। याद रखना, वातावरण और वायुमंडल दोनों एक ही होता है, कन्फ्यूज नहीं कर जाना। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? 78, 78%। बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न। 60 के शुक्राणु को रखा जाता है, कोई भी जो लिविंग थिंग का ऑर्गेनिज्म होगा, बॉडी पार्ट होगा, चाहे वो ब्लड ही क्यों ना हो, उसको हम रखेंगे लिक्विड नाइट्रोजन में। याद रखना, कहीं भी ऐसा प्रश्न आए, लिक्विड नाइट्रोजन पे टिक करना, सही हो जाएगा आपका। नाइट्रोजन यौगीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रोटीन में रूपांतरित होती है। फिर से रिपीट करता हूँ, नाइट्रोजन यौगीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रोटीन में रूपांतरित हो जाता है। आंसर होगा यहाँ पे सी। नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है? ये आप आसानी से बना पाओगे। देखो, नाइट्रीकरण जो चेंज होता है, वो होता है N2 को नाइट्राइट में बदलना। जैसे प्लांट क्या होता है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, वो प्लांट ट्रैक्ट नाइट्रोजन नहीं लेता है, वो क्या करता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, कोई जीवाणु या कुछ उसको हेल्प करता है उसमें। तो नाइट्रोजनीकरण का मतलब क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन क्या होगा, नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पौधे के मामलों में मिट्टी से सोखा गया नाइट्रेट कहाँ से आएगा उसको, तो वो क्या होगा, मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है, जो वो नाइट्रोजन लेता है, नाइट्रेट लेता है, फिर वो क्या होता है, नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी। निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है? ये आसानी से टिक कर पाओगे। नाइट्रोजन क्या है, हरित गृह गैस नहीं है, जबकि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है? यह होता है N2O5। N2O5 नाइट्रस ऑक्साइड ही होता है, पर N2O5 इसे एनहाइड्रेट कहा जाता है। NDA का प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस है या लाफिंग गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड काफ़ी बार पूछा गया, ये नाइट्रस ऑक्साइड देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा निश्चेचित के लिए स्थानपन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा दंत, मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा, मीन्स जो अगर दांत चेंज करेगा तो बेहोश करने के लिए मेनली किसका प्रयोग किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। एनेस्थीसिया मीन्स या एनेस्थेस्टिक्स यूज किया जाता है बेहोश करने वाले, मीन्स जो भी केमिकल होता है उसके लिए होता है, वो भी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड आंसर क्या होगा, सी। पहले क्या यूज होता था, इथर होता था, इथर, ये भी याद रखना होगा।
मूत्रालयों के पास नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? अमोनिया। इसमें कभी भी गलती नहीं करना, अमोनिया होगा यहाँ पे, यूरिया नहीं होगा। देखो कितना और पूछा गया प्रश्न है। ये इसलिए होता है जब मीन्स पेशाब किया जाता है तब वो यूरिया ही होता है, लेकिन ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद या एयर के संपर्क में आने के बाद ये कुछ देर के बाद अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और ये गंध करता है, यूरिया गंध नहीं करता। आंसर यहाँ पे क्या होगा? अमोनिया। दिमाग में बैठा लो, इसमें कई बार कन्फ्यूजन होता है। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया का कौन सा गुण इसमें से मैच कर रहा है? तो इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाएगा। लाल लिटमस नीला हो जाएगा मतलब ये क्या है? बेस है, क्षार है ये। अगर एसिड रहता तो क्या होता? नीला लाल हो जाता है। मैंने बताया है ADR एसिड जो होता है, सॉरी ABR एसिड क्या करता है? ब्लू को रेड कर देता है। ABR याद रखना, एसिड अगर रहेगा तो ब्लू को रेड कर देगा लिटमस पेपर में। नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से, सॉरी नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो वो सोना के साथ, स्वर्ण के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। क्या होता है इसका फार्मूला सोना का? AU। जरा इसका एटॉमिक नंबर बता दो तो कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है हमारा एक्वारेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका सांद्र होता है? ये होता है HNO3 और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। इसमें 1:3 का होता है। ये अगर आप पहले वाले वीडियो से अगर आप देख पा रहे हो तो ये मैंने उस टाइम में जिक्र किया था कि ऐसा भी एक प्रश्न आता है जहाँ पूछा जाता है कि वहाँ पे प्रश्न क्या था कि HNO3 और सांद्र बनाने में कितना रेशियो मिलाएंगे तो एक्वेरजिया बन जाएगा, तो 1:3 था। यहाँ पे क्वेश्चन से मीन्स अपोजिट करके पूछा गया, तो याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट है हमारा उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? उत्कृष्ट धातु को अगर घोलना होगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे सोना भी घुल जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होगा? सोना भी या गोल्ड भी आपका घुल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी ये भी लिखा हुआ है, एक्वेरजिया होगा यहाँ पे आंसर। फिर से समझो, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? एक्वेरजिया का। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में वो N2O5 मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक्वेरजिया बनेगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। निम्नलिखित द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है? अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? तो वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हर्डिंग ब्रॉन्ड द्वारा की गई थी? रासायनिक खोज क्या गया था? फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस का, फॉस्फोरस दो टाइप का होता है, रेड फॉस्फोरस और वाइट फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? माचिस में, माचिस के बॉक्स में, ठीक ना, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। और वाइट फॉस्फोरस को हम लोग लैब में कहाँ रखते हैं? लैब में इसको रखते हैं हम पानी में डुबो के, पानी में डुबो के। और सोडियम को कहाँ रखते हैं? मिट्टी के तेल में। सोडियम और पोटासियम को मिट्टी के तेल में या किरोसिन के तेल में रखते हैं। चलो यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, पर कारण जरूर बताइए ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और इससे पहले अगर आप वो सब वीडियो नहीं देखेंगे देख लेना, आप एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।